तो आज हम बहुत सारी चीजों में बात करेंगे विशाल से, लेकिन सबसे पहले तो उनका स्वागत कर लेते हैं। विशाल, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। बहुत सालों के बाद हम मिल रहे हैं, तो इट्स रियली एक्साइटिंग। सो जितने भी लोग आप जानते नहीं है विशाल को अच्छे से, आपने सोचा कि गुकी के सी हैं उस कंपनी के, तो वो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि विशाल गेमिंग से ऑलमोस्ट पिछले 20-21 साल से जुड़े हुए हैं, और ये उन सफल इंडियन कंपनीज में से हैं जिनने जब अपना नया प्रोडक्ट बनाया है और उसको बेचा भी है, यानी कि दूसरी कंपनी आके उसको एक्वायर कर लेती है। विशाल, सबसे पहले तो वही जर्नी बताइए, कैसे गेमिंग की आपकी शुरुआत हुई और इंटरेस्ट कैसे हुआ और वो डिज्नी आपकी कंपनी ने खरीद ली, उसका कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताइए। जब मैं स्कूल में था तब मैं दो चीजें ही करता था, कंप्यूटर गेम्स प्रोग्राम करता था। मेरे डैडी ने मेरे लिए एक उस टाइम नया नया पीसी खरीदा था, और दूसरा मैं वॉलीबॉल खेलता था। आई वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। तो मेरे पैशन ये दो ही थे, एंड वो पैशन मेरा एक तरह से कंप्यूटर गेमिंग और प्रोग्रामिंग में घुस गया, और मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 की। एंड उसी दौरान मुझे गेम्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा चस्का लग गया, और मैंने बहुत सारी गेम्स प्रोग्राम की। इनफैक्ट 1998 में कारगिल वॉर के टाइम मैंने पहली वॉर गेम बनाई थी एक्चुअली। तो ये मेरी कोई फर्स्ट टाइम मैं फौजी नहीं बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कारगिल वॉर के टाइम बनाई थी गेम, और उसका नाम था योद्धा, जो हमने 2000 में लॉन्च भी की थी। जी। सन 1999 में मैंने अपनी कंपनी, जब मैं 20 साल का था, 20-22 साल का था, फर्स्ट टाइम मैंने फंडिंग भी रेस की। बहुत सारे इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, और इंडिया गेम्स कंपनी के नाम पर मेरी कंपनी का लॉन्च हुआ 1999 में। इंडिया गेम्स पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन पे गेम्स बनाना चालू किया। तो जब नोकिया का फोन था, हमने उस पर बहुत सारी गेम्स बनाई, हमने बड़े बड़े ब्रांड्स, टाइटल्स, आईपीज बनाए। आपको कुछ एग्जांपल किसी को याद होगा तो हमने आईपीएल की गेम बनाई थी, स्पाइडरमैन की गेम बनाई थी, शाहरुख खान के साथ हमने रावण गेम बनाई थी उनकी मूवी पे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स हमने 2000 से लेके 2012 तक हमने बहुत सारे टाइटल्स बनाए, और उस टाइम पे हम इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी थी। हमारा तकरीबन 60-70% मार्केट शेयर हुआ करता था, और 2012 में हमारी कंपनी को डिज्नी ने अक्वायर कर लिया, वॉल्ट डिज्नी कंपनी। वॉल्ट डिज्नी आप जानते ही हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। और फिर मैं एक साल तक डिज्नी के साथ था 2013, और 2014 को मैंने डिज्नी से निकल के अपना नया फिटनेस और हेल्थ वेंचर गोकी लॉन्च किया। और गोकी का आइडिया वही था कि गेमिंग और हेल्थ, किस तरह हम आपको हेल्दी होने के लिए प्रोत्साहन करें, गेमिफाई करें आपकी हेल्थ। और गेमिंग में ऑफ कोर्स आपने गोकी में तो आपने देखा ही होगा, हमने अभी नए नए वेरेबल लॉन्च किए हैं। हमारा लेटेस्ट डिवाइस है जिसके अंदर ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी, बहुत बहुत चीजें हो रही हैं। पर गेमिंग ऑफ कोर्स हैज बीन माय फर्स्ट लव। तो लास्ट ईयर 2019 में मैंने दयानिधि और हमारे दो तीन और को फाउंडर्स है बैंगलोर में, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गेमिंग में, उनके साथ मिलकर हमने एनकोर कंपनी की स्थापना की। बिल्कुल, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ले, अभी रिसेंटली अक्षय कुमार ने आपके अनाउंसमेंट किए कि हम लोग एक गेम लॉन्च कर रहे हैं फौजी, और अनाउंसमेंट करते ही विवादों में आ गया। पहला विवाद था पोस्टर से लेकर, जिसपे आपने कहा स्टॉक इमेज हमने यूज की है, और स्टॉक इमेज कोई भी यूज कर सकता है, आपने रिलीज कर दिया उसका प्रोमो। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आया कि चलो यार मैं गेम का स्नैपशॉट लेके प्रोमो लॉन्च करें, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो जो हमारी कंपनी है एनको, इसका विजन है लोकल आईपी क्रिएट करना। सी, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐप स्टोर देखोगे, हमारा गूगल ऐप स्टोर, एक ही गेम है नंबर वन पे, वो है लूडो किंग। एंड आई एम प्राउड टू से कि वो पूरी ओरिजिनल इंडियन गेम है, क्योंकि इंडिया में हर बच्चा लूडो खेलते पैदा हुआ है जी। बट उसके अलावा, लूडो किंग के अलावा, बाकी की सारी गेम्स मोस्टली फॉरेन गेम्स है, और उसमें भी मोस्टली चाइनीज गेम्स है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इंडियंस को इंडियन चीजों से ज्यादा रिलेशन होता है, और हमें इसका फोकस करना था। तो जब मैंने एनकोर हमने फॉर्म की दयानिधि और बाकी की टीम के साथ, आइडिया था कि हम इंडियन थीम्स पे गेम बनाएंगे, और हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन थीम्स चुनी है गेम्स बनाने की। तो पहली हमारी की एक्शन गेम, दूसरी हमारी है एक म्यूजिकल गेम, आप देखेंगे हम इंडियंस को म्यूजिक बहुत पसंद है, तो एक म्यूजिक गेम आ रही है, और तीसरी हमारी एक गेम है क्रिकेट। तो ये तीन गेम्स का प्रोडक्शन हमने चालू किया है, और इस दौरान इनफैक्ट ये गेम का कंसेप्शलाइजेशन तो लास्ट ईयर ही चालू हो गया था, पर
अक्षय कुमार आप जानते हैं, गोकी में हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, तो मेरा उनसे काफी मिलना जुलना रहता है। तो एक बार ऐसी मीटिंग में मैंने उन्हें बताया कि हम लोग ऐसी एक्शन गेम बना रहे हैं, और वो बहुत एक्साइट हुए, क्योंकि आपको पता है इंडिया चाइना के साथ मई जून से ही गलवान वैली में जो तकलीफ हो रही है। तो उस आइडिया के साथ उन्होंने हमें सजेस्ट किया फौजी नाम, और बोला फौजी के थीम पे लेट अस मेक द गेम। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये तक कहा कि हमें किस तरह फौजियों को हेल्प करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम है कि हम लोग सब लोग फौजियों के बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत उनकी उनका आदर करते हैं, पर उनको जब सामने मदद के लिए आते हैं, आर्थिक मदद, तो वो इतनी ज्यादा होती नहीं जी। इसलिए उन्होंने भारत के वीर फाउंडेशन बनाई थी गवर्नमेंट के साथ। तो आइडिया उन्हीं का था कि हम इस गेम को भारत के वीर फाउंडेशन के साथ जोड़ेंगे और हमारा डोनेट करेंगे उनको, ताकि जो हमारे इंडियन गेमर्स हैं और जो हमारे बच्चे हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, उन्हें पहली बात तो पता चल सके कि हमारे सैनिक कितना बलिदान देते हैं, किस तरह से करते हैं, और फिर वो जो भी गेम में पैसा खर्चा करेंगे उसमें का 20% चले जाएगा उनकी खुद की फाउंडेशन को। तो ये दो तरीके से अच्छा होगा, एक तो उनका बलिदान और उनके एजुकेट करने के लिए, और दूसरा कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो हर आदमी फौजी बन सकता है और फौजियों की मदद भी कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट था गेम का। और जैसे आप जानते हैं फर्स्ट लेवल हमने बताया है गलवान वैली पे है, तो होपफुली हमारा अक्टूबर एंड नवंबर तक ये रेडी हो जाएगा। बात आई लॉन्च की, सितंबर में हमको इसे लॉन्च करना ही था, क्योंकि टिपिकली 1-1.5 महीने पहले आप टीजर अनाउंस करते हैं, तो ये इसका टीजर ही था। और हमें कुछ लगा नहीं था कि कोई टीजर को भी कोई इतना एनालाइज करेगा। आई थिंक ऑन द हाइंडसाइट वी कुड हैव वेरी इजीली यूज्ड अनदर इमेज, बट आई थिंक इट्स अ लेसन लर्नड दैट अभी हम लोग का जो भी होगा, वी विल ट्राई एंड ओनली हैव आवर ओरिजिनल आईपी। तो हम लोग जैसे रिलीज करने वाले हैं आगे, ये गेम का टाइटल भी नहीं है, ये तो सिर्फ हमने ब्रांड नेम दिखाया था फौजी ब्रांड नेम जी। लेकिन फिर एक राइट, तो अब एक और कंट्रोवर्सी भी आ गई है और जिसका आपने खंडन कर चुके हैं कि वो है सुशांत राजपूत से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि लोग कुछ क्या मानना है कि भैया उनने बनाया, और आपने कहा नहीं, उनने कुछ नहीं किया, हमारी टीम ने डेवलप किया और इसमें अक्षय कुमार ने मेंटरशिप की है। तो फिर अचानक से कंट्रोवर्सी कहां से उठ गई? सी देखिए, गेम बनाना कोई एक आदमी का काम नहीं होता है। हमारे पास जो गेम बनाने के लिए आपको चाहिए लेवल डिजाइनर जो लेवल्स बनाते हैं, आपको चाहिए ग्राफिक डिजाइनर जो ग्राफिक आर्ट और 3D आप करते हैं, आपको टेस्टर्स चाहिए, गेम का एक इंजन यूज होता है, हम लोग यूनिटी इंजन यूज कर रहे हैं, इंजन के प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं, टेस्टर्स चाहिए होते हैं, फिर सर्वर साइड होता है क्योंकि ये मल्टीप्लेयर गेम है, तो देर इज अ सर्वर साइड कोडिंग। तो ये कोई एक आदमी का काम नहीं होता, एक बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है, और इस टीम को एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक कि सुशांत सिंह के, मैं तो उन्हें कभी मिला नहीं हूँ, वो यू नो आई एम श्योर ही इज अ वेरी स्मार्ट, ही वाज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, बट एज फार एज हमारी गेम इज कंसर्न, वी हैव बीन कंसेप्चुअलाइजिंग डेवलपिंग एंड इवन डेवलपिंग नाउ, हमारी पूरी टीम बैंगलोर में बैठ के इसे बना रही है। तो ये मानना कि सुशांत सिंह ने ये गेम बना दी और हमने उनसे ले ली, ये एकदम गलत है, और मैं उन लोगों का जो ये फेक न्यूज फैला रहे हैं एब्सोल्यूट खंडन करना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। एक इंडियन कंपनी, हम लोग एक तरह से ये कर रहे हैं, आत्मनिर्भर ऐप बना रहे हैं, और आप इस तरीके के झूठे हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि टाइमिंग को लेके, क्या जब भी कोई भी कंपनी किसी बिजनेस सिचुएशन में होती है तो उनको हमेशा वो देखते हैं कि राइट टाइमिंग के अनाउंसमेंट करने की, और जिस टाइम पे पबजी का बैन के अनाउंसमेंट हुई उसके 2 दिन बाद आपके अनाउंसमेंट आ गए, सो इट वाज प्योरली टाइमिंग, क्योंकि आप जैसे खुद आपने बोला कि अभी तक आप रेडी नहीं थे, अक्टूबर में जाके गेम होने वाला था, सो जस्ट टू क्रिएट द बस टाइमिंग मैच की गई या इट वॉज ए मेरी कोइंसिडेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ पबजी क्लोन और कॉपी, इट्स अ डिफरेंट थिंग। गलवान वैली आपको लगता है चाइनीज गलवान वैली गेम बनाएंगे, नहीं, so it is a original game, whether PUBG was banned or not banned, we were anyway going to launch it, that is the whole idea, we were not waiting for this to happen, it is just coincidental that this launch happened coinciding with it, but clearly hamari taraf se ye game launch hone wali thi, because this is not, we are not trying to replace PUBG, maybe PUBG might even come back, you never know, you know, so the question is, we want to give Indians an opportunity to play a Indian game, Indian theme, and also contribute back to India
एंड इंडियन सोल्जर्स, दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड. राइट, तो जैसे आप बता चुके हैं कि ये गेम पबजी से टोटली डिफरेंट है, लेकिन अगर पबजी की बात की जाए तो लोगों को दो तीन चीज उसमें काफी अच्छी लगती थी. एक तो खास ग्राफिक्स काफी अच्छे लगते थे और गेम प्ले काफी अच्छा लगता था, और जो फंक्शनैलिटी दी थी मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड ऑल दोस थे. तो उसके कंपेरिजन में आपको क्या लगता है, जब पबजी लॉन्च होगा मार्केट में कंज्यूमर्स को निराशा होगी या काफी सरप्राइज हो जाएंगे? देखिए, गेम डेवलपमेंट इज नॉट जैसे मूवी की आपने एक पिक्चर बनाई और उसे रिलीज कर दी. गेम्स ऐसे नहीं होती. गेम्स डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि एक्चुअली जब आप गेम लॉन्च करते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइव ऑप्स, और हमारे पास एक पूरी टीम है जिसका काम है डेटा देखना कि लोग गेम में क्या पार्ट खेल रहे हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या हमें चेंजेस करने हैं, और हर हफ्ते, हर दो हफ्ते, हर तीन हफ्ते में हम गेम्स के अपडेट्स रिलीज करते हैं. तो गेम जो है वो कोई स्टैटिक चीज नहीं है, गेम इज अ डायनामिक. इनफैक्ट आप पबजी भी देखोगे तो उनका वर्जन देखोगे, वो चार साल से वो भी अपडेट कर करके उन्होंने अपनी गेम को एक लेवल पे लाए हैं. तो क्लियरली ऑन डे वन वी आर हैविंग अ डिफरेंट गेम. तो हम तो वो मल्टीप्लेयर वो ऐसा कर ही नहीं रहे डे वन पे, तो हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है. पर आगे जैसे जैसे हम अपडेट करेंगे, हमने पहले ही बताया कि हम लोग मल्टीप्लेयर अपडेट भी करेंगे, बैटल रॉयल अपडेट भी करेंगे, पर ये सब एक दिन में नहीं होता है. ये टेस्टिंग होती है इसकी, we look at the performance, we look at the feedback we receive from gamers, and then it is developed. So it is a very very different thing. It is basically live operations which we do, and hamari jo team hai Encore mein ye live operations ki expert hai. Jo badi badi international games, do badi games thi, ek hai Vainglory jo US ki game hai, aur ek hai Angry Birds jo sabne suna hoga. Iski jo live operations thi wo hamari hi team karti thi Encore. बहुत ही बढ़िया. अब ये बताइए कि अब जब गेम आप लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे गेम्स होते हैं जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स पे नहीं खेले जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवेयर इंटेंसिव रहते हैं. फिर लोग कहते हैं, फिर हैंडसेट की कंपनी आ जाती है और कहती है हमारे में ये चिपसेट है, वो चिपसेट है, आप इसको इस गेम को टॉप सेटिंग में खेलिए. आपके जो गेम्स आने वाला है नवंबर एंड का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, मिनिमम सेटिंग्स क्या रहेगी उसकी, फोन पे किस पे चलेगा वो? Trade-off between graphics quality and what we are able to do with performance on lower end devices. So we are testing it right now. हमको ये देखना है कि minimal acceptable quality क्या है. Because the problem is that if we are trying to support two lower handsets, people with higher end handsets will have a challenge. So we have to find the right balance. And luckily जो हम लोग engine use कर रहे हैं Unity की, ये काफी popular है और ये काफी games already हैं इस engine पे. तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट मेजर फोन्स हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे. ऑफ कोर्स देयर मे बी सम फोन्स जो सपोर्ट ना हो पाए, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोग अपडेट करते हैं ये सपोर्ट आ जाता है. बट मेजॉरिटी, इफ यू हैव टू आस्क मी, आई वुड से दैट वी विल बी एबल टू कवर 90% ऑफ द फोन्स व्हेन वी. बिल्कुल विशाल, क्योंकि मेरा पूछने का रीजन भी यही था, क्योंकि अगर हम देखें दो गेमिंग, एक हो गया मोबाइल गेमिंग और एक हो गया कंसोल गेमिंग. कंसोल गेमिंग में यूजुअली जब भी डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं गेम को या बनाते हैं, दे ऑलवेज टेक हाई एंड स्पेसिफिकेशन. और मोबाइल में जब भी गेम डिजाइनिंग होती है, हमेशा ट्राई किया जाता है कि एंट्री लेवल और मिड लेवल फोन्स को ध्यान में रखते बनाए जाए ताकि मैक्सिमम लोग उसे खेल पाए. आपने बताया कि स्टार्ट में जो होगा आप स्टैंड अलोन गेम लाएंगे, जैसे मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी धीरे धीरे करके ऐड होगी. कोई टीजर आपका जो आप इस टाइम पे शेयर कर सकते हैं गेम से रिलेटेड, जो अनोखा होगा, लोगों को देखने में काफी मजा आएगा, खेलने में काफी मजा आएगा? विल बी रिलीजिंग स्क्रीनशॉट्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी हम लोग धीरे धीरे और चीजें रिलीज करेंगे फॉर श्योर. गेमिंग के संदर्भ में अगर बात करें भारतीय मार्केट की, यहाँ पर अभी भी गेमिंग इतनी ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की है. पहले तो ये लिमिटेशन थी कि हार्डवेयर के इश्यूज थे, फोन इतने अच्छे नहीं थे, अब फोन आ गए हैं. अब लोगों को लगता है कि नेटवर्क के भी काफी इश्यूज आ रहे हैं. आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में गेमिंग इंडिया में अपने पैर पसार पाएगा कि नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली. ऑलरेडी अगर आप देखा जाए तो इंडियन गेमिंग मार्केट को 4,000 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर रहे हैं. पबजी खुद ही जो भी रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, पबजी का ही 7,500-800 करोड़ तो वही सालाना रेवेन्यू कर रहे थे. तो क्लियरली मार्केट है, लोग एंटरटेन, गेमिंग एक तरीके का एंटरटेनमेंट है. तो जिस तरह लोग OTT प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं या मूवीज देखते हैं या म्यूजिक करते हैं, गेमिंग, इनफैक्ट गेमिंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बिकॉज गेमिंग इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट है. ये दो टू वे एंटरटेनमेंट है, और
गेमिंग के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, आपने देखा होगा लोग कम्पीट भी कर रहे हैं, और हमारा भी प्लान है धीरे धीरे इसको हम लोग ई स्पोर्ट्स में भी लाएंगे फौजी। अब अगर हम बात करें जो गेमिंग में क्या हो रहा है कि अगर हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें गेमिंग में इंटरेस्ट है, हमें इसमें अपना कैरियर बनाना है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में कंसेप्ट नहीं है कि गेमिंग कैन बी ए कैरियर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मैं बात सुन रहा हूँ जब 2001 से या 2000 से जब मैंने खुद रिक्रूटमेंट चालू किया था, अभी गेमिंग एनिमेशन ये बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी गेमिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक एक्सेप्टेंस ऑफ गेमिंग एंड एनिमेशन इफ यू लुक एट इन दिस होल इंडस्ट्री ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स इज रियली हाई नाउ, बिकॉज स्पेशली विद द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यू नो लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू विजुअल इफेक्ट्स, तो ओवरऑल आई वुड से द एक्सेप्टेंस इज रियली हाई। और आपने ये भी कहा है कि फौजी गेम से जितना भी रेवेन्यू होगा उसका 20% भारत की भी फाउंडेशन में जाएगा जो इंडियन आर्मी को जाएगा, लेकिन अगर मार्केट देखें बहुत कम ऐसे गेम्स हैं जो एक्चुअली रेवेन्यू कमाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फौजी सच में अच्छे से रेवेन्यू कमा पाएगा, क्योंकि वरना बाकी सब तो फ्रिंज प्लेयर्स ही बन के रह गए हैं? नहीं देखिए दैट्स द होल आइडिया, गेमिंग इज एंटरटेनमेंट राइट, तो अगर हम लोग अच्छा लेवल का गेम बना पाएंगे तो क्लियरली रेवेन्यू होगा, सो दैट इज अ चैलेंज टू अस एंड आवर टीम टू मेक श्योर कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाए। और मैंने आपको बताया ये कभी भी गेम फर्स्ट लेवल या फर्स्ट लॉन्च में कभी भी यू नेवर गेट इट राइट, यू हैव टू कीप इटरेटिंग, यू हैव टू कीप लॉन्चिंग वर्जन्स एंड अपडेट्स, तो मेरे हिसाब से गेम को स्टेबलाइज होने में 3 से 6 महीने लगते हैं लॉन्च के बाद, क्योंकि ये गेम्स क्रैश होंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। लाइक आई सेड गेम इज लाइक लाइव ऑप्स, तो गेम लॉन्च होगा हम सीखेंगे, हम डेटा लेंगे, इसको फिक्स करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन गेम लॉन्च होती है, इट्स अ प्रोसेस एंड वी विल गो थ्रू दिस प्रोसेस विद द प्लेयर्स। राइट, आपने इस चीज के बारे में तो बता ही चुका है कि पहले गेम आपको गलवान वैली में जो झड़प हुई थी उसके दृश्य दिखेंगे, पर आने वाले वक्त में क्या आप बाकी वार जो भी थे उनके बारे में लिखेंगे, जैसे कारगिल हो गया या बांग्लादेश वार हो गया, इनके ऊपर भी कुछ चल रहा है? Absolutely right. The idea is that, right, we want to give people, even, you know, the surgical strike, aap dekhlo, right? There are a lot of themes which we can take. There are so many battles and wars. So we will see how we can adopt them into the game and then introduce different modes. So, like I said, it's a completely creative process. And that's where somebody like Akshay sir can really help us, right? He's the one of the finest creative brains in the country. He came up with the name, like I said, 4G was the name itself was suggested by him. And only a creative person like him could have thought about. Right. जिस दिन PUBG भारत में बैन हुआ था, कुछ लोग थे जो काफी खुश थे, खासकर पेरेंट्स, और कुछ लोग थे वो काफी दुखी हो गए थे कि गेम नहीं खेल पा रहे, और जो लोग खुश थे वो इसलिए थे कि उनको लगता था कि बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव गेम है, बच्चे लोग अपनी पढ़ाइयों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं गेम के साथ। क्या आपको लगता है कि वार गेम्स या जो भी एक्शन गेम्स होता है उनमें कहीं ना कहीं कोई सीमा फिट होनी चाहिए कि कितना खेला जाए, ताकि लोग सब काम करें खाली गेमिंग ही ना करें? जी, मैंने पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में कि you cannot replace bad parenting and say gaming is bad. The reality is that parents hi hain jo apne bachcho ko mobile phone ya tablet de rahe hain ki bhaiya ye main tv dekh raha hu tum ye karo. So the point is that everything in moderation is good, just the way you know whether you watch OTT platform or YouTube or do anything, right? Similarly, gaming also needs to be in moderation, and finally the parents have a responsibility. And just because it's very easy to say gaming is bad, but gaming is not bad. Gaming actually is a better form of entertainment than watching television, because it is two way. You have a interactive, your brain cognitive functions are very high because you need to engage versus just watching a one way television, for example. So if you compare this, clearly TV wale aapse kafi naraaz ho jayenge. TV wale kahenge ki aap keh rahe hain gaming humse better, hum bhi to itni mehnat kar rahe hain. Lekin filhal aage badhte hain aur baat karte hain ki aap goki mein kafi time se फिटनेस गोल सेट अप कर रहे हैं लोगों के लिए कि ऐसा करना चाहिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन इस टाइम मार्केट में देखिए तो भरमार हो चुकी है फिटनेस बैंड्स की और ऑलमोस्ट सबके सब आइडेंटिकल लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे भीड़ भड़ाके में आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाएंगे? देखिए हमारा दो कॉन्सेप्ट था गोकी में जिसके लिए हम सबसे आगे हैं। पहला कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ डेटा से कुछ नहीं होता है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो इसके लिए गोकी का हमारा हर डिवाइस
एक कोचिंग सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जो हमारे कोचेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि खाली डेटा के ऊपर आप चल रहे हो उससे कुछ नहीं होता. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू विद द डेटा, जस्ट लाइक अ जर्नलिस्ट लाइक यू इज एनालाइजिंग. इन्फॉर्मेशन बहुत है पर आप बता रहे हो कि इसका मतलब क्या है लोगों. उसी तरह एक गाइड होने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ में. तो गोकी का कॉन्सेप्ट ही वो था. सो गोकी का कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम बना. एंड अगर हम सिर्फ हार्डवेयर बेच रहे होते तो हमारे कंपनी का कुछ नहीं होता. आवर होल आइडिया इज हार्डवेयर इज जस्ट अ मैकेनिज्म फॉर कलेक्टिंग डेटा. द रियल बिजनेस इज हाउ डू वी हेल्प यू रिमेन हेल्दी एंड हाउ डू वी प्रोवाइड यू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. विशाल चल जाते एक एक और क्वेश्चन की जो आपका फौजी लॉन्च होगा ये किस किस प्लेटफॉर्म पे आएगा और टीवी सपोर्ट या आपका पीसी बेस्ड सपोर्ट भी रहने वाला है. No, firstly we'll be targeting Apple and Android. We may look at other platforms later, but we are not looking at PC at this stage. Right. और मुझे मालूम है विशाल अभी गेम के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं देंगे. वो थोड़ा सीक्रेट रखना चाहते हैं जब तक उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए. तो विशाल आई थिंक जिस दिन आपका गेम लॉन्च हो जाएगा फिर से एक बार बात करनी पड़ेगी आपके साथ और समझना पड़ेगा कि गेम कैसा रहा हो और फिर आई थिंक हम और गेम के बारे में विस्तार में डिस्कशन कर सकते हैं. आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इंटरेक्शन तो यहीं समाप्त होता है. अगर आपके कोई भी सवाल है या कमेंट है इस इंटरेक्शन से जुड़े हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब मिले. अगर हमारे पास जवाब नहीं होगा तो हम जरूर विशाल को मैसेज करेंगे और उनसे जवाब देने की कोशिश करेंगे. जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा.